गाइस पिछले वीडियो में ना मैं आपको बताया था कि मैंने इतना किया था मैंने पिछले वीडियो में। तो अब इसके आगे करते हैं। इसके आगे हम एक टाइटरोप बनाएंगे, पर पहले हम इसका जुड़वा भाई निकाल लें। इसका जुड़वा भाई निकालने के बाद हम उसको यहाँ पर मूव कर देंगे ऐसे। अब इसका एक और पार्ट लाएंगे यहाँ पर। अब इसका स्केल से थोड़ा सा इतना कर लेंगे, फिर मूव करके इसको ऊपर ले आते हैं। चलो यहाँ तक ले आते हैं इसको। तो अब इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। अगर आपका एकदम परफेक्ट आ रहा है तो आप रहने दो, मैं तो छोटा कर देता हूँ। बस ये बन गया हमारा एक टाइटरोप। कलर थोड़ा अच्छा नहीं है ना, तो इसका कलर चेंज कर देंगे। आप अपना फेवरेट कलर रख सकते हैं। मेरा फेवरेट कलर है ये, तो मैं इसी कलर का रखूंगा। तो इतना तो हमने कर लिया, एक टाइटरोप भी बना लिया। अब टाइटरोप को एंकर कौन करेगा? टाइटरोप को एंकर भी कर लेते हैं। यहाँ से इसको एंकर अब प्ले करके देखते हैं कैसा लगता है। देखते हैं प्ले करके। टाइटरोप है ये तो बहुत मोटा हो गया, तो अब इस टाइटरोप को थोड़ा पतला कर लेते हैं। वो कैसे करेंगे? अब इसको थोड़ा ऐसा कर लेंगे, यहाँ से थोड़ा पतला कर लेंगे। बस इतना सही है, बस इतना इतना पतला सही है। अब प्ले करके देखते हैं। अब प्ले करके देखिए, करके देखे तो अब देखो ये बहुत पतला है। अब ये हो गया। इसी बात पे मैं मर भी गया। तो अब मैं टाइटरोप तो हो गया, पर इसमें और भी स्टेज हो सोते हैं बहुत सारे। तो रुको, हम उसके भी इंतजाम कर लेंगे।
पार्ट लाना है और पार्ट होना चाहिए स्पेयर। हाँ, पार्ट के नीचे जो एरो जैसा बटन है इसको दबाएंगे तो टाइप्स ऑफ पार्ट आ जाएंगे, हमें चाहिए स्पेयर। थोड़ा सा बड़ा स्पेयर होना चाहिए और इसको मूव कर लेंगे। इसका कलर ये रेनबो होना चाहिए इसका कलर। तो अब इसको ये कर देते हैं और अब इसको डुप्लीकेट कर देते हैं। पीछे जो बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है इसको इग्नोर करो, कंट्रोल पर डी। अब इसको डुप्लीकेट कर ली करके वापस से इसका एक जुर्बा भाई ले आएंगे। इसका जुर्बा भाई होगा ऑरेंज कलर का, क्योंकि जैसे मैंने कहा था कि रेनबो होना चाहिए पूरा, तो वैसे एकदम रेनबो होगा। उसके रेनबो में उसके बाद येलो कलर आता है, कंट्रोल प्रेस डी। येलो के बाद आता है रेनबो में ग्रीन। तो इसका एक और जुर्बा भाई लाएंगे और ग्रीन के बाद आता है ब्लू, स्काई ब्लू के बाद ओ जुर्बा करना तो भूल गया, कंट्रोल जी। अब जुर्बा करके इसको जैसा जैसा कि उसमें होते रेनबो में वैसा ही डार्क ब्लू कर लेंगे। अब एक और जुर्बा भाई, अब इसको कर लेंगे इंडिगो। इंडिगो कलर कहाँ पर है? डार्क इंडिगो। हाँ, तो ये हो गया हमारा रेनबो। अब इसका भी एक जुड़वा भाई कर लेते। इसको लाएंगे, इसका जुड़वा भाई हम यहाँ पर ले आएंगे। तो अब एंकर कौन करेगा? तो अब एंकर कर लेते हैं, इसको एंकर कर लेते हैं। अब एंकर ये किया एंकर। अब ये हो गया पूरा एंकर। अब खेल के देखते हैं कैसा लगता है। एंकर कर लेंगे, तो यहाँ पर टाइटरोप सबसे मुश्किल है। टाइटरोप पे आधे से ज्यादा लोग गिर जाते हैं, तो मैं तो वही प्रो एक्चुअली नहीं है। तो स्काई कैसे चेंज हो गया? मैंने दूसरा स्काई लिया था ना। हाँ, हाँ, तो अब नागेश चेक पॉइंट पे हुई
अभी नीचे गिरने वाला था, और उई अब मैं पहुंच गया, गंगा मैं पहुंच गया, मैं पहुंच गया, और मर गया। ऊपर सूरज, नीचे चांद। मैं पूछ गया गया। तो अब इसके बाद हम एक और स्टेज ऐड करेंगे, क्योंकि ये कुछ ज्यादा छोटा नहीं हो, तो एक और पार्ट ऐड करते हैं, और वो पार्ट होगा ट्राइंगल। कोई कोन पार्ट नहीं है क्या? नहीं, हम इसको डिलीट करके कोई और पार्ट ढूंढते हैं अच्छा सा। हाँ, सिलेंड्रिकल जंप्स। तो अब हम बनाएंगे सिलेंड्रिकल जंप्स। सिलेंड्रिकल जंप्स इसको यहाँ पर ऐसे कर देंगे, और एस ये एक रेनबो अभी है, तो रेनबो अभी में सब कुछ रेनबो होना चाहिए, तो इसको भी हम रेनबो करेंगे, कलर करेंगे। अब तो रेनबो अभी है, तो सब कुछ रेनबो होना चाहिए, है ना? तो मैं इसको तो करेंगे लाल। लाल पहला कलर रेनबो में लाल होता है, इसलिए इसको लाल करेंगे, और इसका जुड़वा भाई ले आएंगे, जो कि लाल नहीं होना चाहिए, जो कि होना चाहिए ऑरेंज, क्योंकि दूसरा कलर होता है ऑरेंज। फिर हम एक और जुड़वा भाई लाएंगे, जो कि होना चाहिए येलो। तो एक और जुड़वा भाई लाएंगे, जो कि होना चाहिए ऑरेंज, येलो मतलब ग्रीन लाइम, क्योंकि अब देख, क्योंकि रेनबो अभी में सब कुछ रेनबो होते हैं, तो रेनबो के हिसाब से होना चाहिए। एक और जुड़वा भाई, इससे भाई को हम कलर के देंगे इलेक्ट्रिकल ब्लू। इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रिक ब्लू है ना? हाँ, ये इलेक्ट्रिक ब्लू है, तो इलेक्ट्रिक ब्लू कलर देंगे इसको। और फिर एक और भाई, जो कि होना चाहिए इस इलेक्ट्रिक ब्लू का नहीं होना चाहिए, वो दूसरा जरबा भाई होना चाहिए रियली ब्लू। ये कौन सा कलर? लैपिस। ये कौन सा कलर? हाँ, ये रियल ब्लू है। अब एक और जरबा भाई तो बनता आया, जो कि होना चाहिए डार्क इंडिगो। लैपिस है या मलबरी है? हाँ, ये डार्क इंडिगो। इसका भी जुर्बा भाई करके वही यहाँ पर ऐसे ला देंगे। और एंकर तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर एंकर नहीं करेंगे तो गिर भी सकता है। और ये एंकर,
अभी हो गया एंकर। अब अगर हम प्ले करके देखें तो देखते हैं कैसा बनता है। हम पहुंच गए चेक पॉइंट पे और अब मेरे को बस W दबा के रखना है, बस टाइट्रोप एक्चुअली इजी होता है टाइट्रोप, बस W दबा के रखो हो गया। और ये टाइट्रोप पार, अब आते हैं हमारे सिलेंड्रिकल जंप्स। इसमें बस W दबा के रखा और हो गया। हो सबसे मजा आता है सिलेंड्रिकल जंप्स में, कुछ भी करो कुछ भी करो नहीं गिरोगे।